वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन प्रयागराज एवं मंडल आयुक्त प्रयागराज द्वारा संयुक्त रूप से प्रयागराज जोन के समस्त थाना प्रभारी एवं राजपत्री अधिकारियों के संग गूगल मीट के माध्यम से जुड़कर आगामी धार्मिक पर्व त्यौहार के दृष्टिगत कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं अपराधियों अराजक तत्वों पर निरोधात्मक कार्रवाई एवं महिला बच्चों के प्रति सुरक्षा व सम्मान के संबंध में समीक्षा कर समस्त कर्मचारी अधिकारीगण अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया। बताते चले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एडीजी जोन प्रयागराज व मंडल आयुक्त प्रयागराज द्वारा संयुक्त रूप से प्रयागराज जोन के समस्त थाना प्रभारी एवं राजपत्र अधिकारियों के साथ गूगल मीट के माध्यम से संपर्क कर बात की गई। संगम नगरी प्रयागराज की सुराव पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां सुराव पुलिस ने रामबाबू हत्या मामले में अब खुलासा किया है। वहीं एसपी गंगापार ने प्रेस वार्ता करते हुए हत्या का खुलासा किया है, जिसमें रामबाबू के भाई व दिनेश पासी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें, जमीनी विवाद को लेकर रामबाबू का कत्ल हुआ था, जिसमें उनके खुद के भाई ब्रह्मदीन ने अपने भाई की हत्या की सुपारी दी थी, जिसके तहत ये कार्य को कारित किया गया और घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें हत्या में प्रयुक्त संबल व अन्य चीज़ भी पुलिस ने बरामद की है। और क्या कुछ कहना इस पूरे मामले पे एसपी गंगापार का, आइए सुनाते हैं आपको। दिनांक 16/3/2022 को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि रामबाबू पटेल की संदिग्ध अवस्था में शव सोराव क्षेत्र में मिला था। तत्काल पुलिस द्वारा घटना का निरीक्षण स्थल किया गया और उसके बाद मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसी क्रम में आज दो अभियुक्त दिनेश पासी और उनके सगे भाई ब्रह्मदीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिनेश पासी ने अपने बयानों में बताया है कि उसके बड़े भाई ब्रह्मदीन ने उसे 2,00,000 रुपए की सुपारी दी थी। ब्रह्मदीन और मृतक का दोनों का जमीन का विवाद चलता था। कई बार पैमाइश होने के पश्चात भी मृतक पैमाइश होने नहीं दे रहा था, इसीलिए उसने उसे रास्ता से हटाना चाहा और दिनेश पासी को 10,000 रुपए एडवांस के रूप में दिए थे। दिनेश पासी और मुलायम पाल, ये दोनों ने मिलकर इसकी घटना करी और इसे सब्बल से मारा। मारने के पश्चात बाइक पुलिस ने बरामद करी है। इसके अतिरिक्त घटना में जो मृतक का मोबाइल है और आलाकत पुलिस ने बरामद किया है। दोनों अभियुक्तों को पुलिस ने जेल भेजा है। एक वांछित अभियुक्त है, उसे भी पुलिस जल्द ही गिरफ्तार करके जेल भेजी। दिनेश का कोई पुराना हिस्ट्री रिकॉर्ड? दिनेश का अभी तक पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है। उसके उसको भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा, पूछताछ की जाएगी। उसका नाम मुलायम पाल। संगम नगरी प्रयागराज के ये सिविल लाइन रेलवे जंक्शन साइट का नज़ारा है, जहां रेलवे जंक्शन सिविल लाइन साइट के पार्सल घर के बाहर आप देख सकते हैं किस तरह से गंदगी के अंबार लगे हैं। रेलवे प्रशासन के दावे लाख कर ले, मगर सफाई के स्वच्छता के दावे सिर्फ कागज़ों में सीमित है। जहां स्वच्छ भारत अभियान की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही, और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से गंदगी के अंबार डंप करे गए हैं, मगर रेलवे द्वारा सबसे बड़ी बात है स्वच्छता के दावे की पोल खुलकर सामने आई है। संगम नगरी प्रयागराज कहने को तो स्मार्ट सिटी है, मगर स्मार्ट सिटी की स्ट्रीट लाइटें अक्सर दिन में जलती हैं और रात में शोपीस बन जाती हैं। ये नज़ारा है खुल्दाबाद थाने के बाहर का, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है और सड़कों पर अंधेरा छाया है। नगर निगम की लापरवाही अक्सर हमेशा सामने आती है, जहाँ दिन में स्ट्रीट लाइट जलती है और रात में शोपीस हो जाती है, जिससे रात में आने जाने वाले लोगों को अक्सर परेशान होना पड़ता है। और ये स्टेशन के पास का नज़ारा है, संगम नगरी प्रयागराज, ये नज़ारा है करेली के चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज की ओर जाने वाले रास्ते का, जहां आप देख सकते हैं विकास की गंगा बह रही है और सड़क कितनी अच्छी बनी है वो आप खुद देख सकते हैं, जो इससे लोग रोज दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। बता दें, मंत्री नंदी का क्षेत्र है, जहाँ आनंद गोपाल गुप्ता नंदी द्वारा किस तरह से विकास किया गया ये भी आप देख सकते हैं, और सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जिससे आने जाने वाले लोग अक्सर दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण आज तक नहीं हो पाया यहाँ का विकास और जिम्मेदार बने अनजान। आपने अक्सर चलती फिरती गाड़ी तो देखी होगी, लेकिन घर को चलते हुए नहीं देखा होगा। तो आइए आपको दिखाते हैं हम किस तरह से टेक्नोलॉजी
से बड़े बड़े मकान को उठाकर इधर से उधर करने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही किसी भी घर के छत को ऊपर करने व नींव को जैक द्वारा उठाने के कार्य किया जा रहा है। आइए बात करते हैं उन कलाकारों से जिनके द्वारा ये आश्चर्य कार्य किया जा रहा है। और अच्छा, सबसे बड़ी खासियत ये है कि घर को बगैर नुकसान हुए एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। और दूसरी चीज़, किसी भी घर में कोई तरह की कमी नहीं आएगी, इसकी भी गारंटी ये कारीगर देते हैं। और जैक के द्वारा घर को उठा रहे हैं ये कारीगर। ये नज़ारा है सुराव क्षेत्र का, जहाँ पर ये कार्य किया जा रहा है। और आइए हम बात करते हैं यहाँ के इंजीनियर और कर्मचारी से, ये किस तरह से कार्य करते हैं और कितने दिनों से ये कार्य कर रहे हैं और इसमें किस तरह के नुकसान हैं और किस तरह के खतरे हैं, क्या कुछ कहना इनका, आइए सुनाते हैं आपको। सर, मैं ये मकान जैक द्वारा अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा उठाता हूँ सर। सर, ये काम 15 से 20 सालों तक करते हैं। रहने वाले आप कहाँ के? सर, मैं रहने वाला यूपी सोनभद्र रेनीकूट का हूँ सर। प्रॉब्लम तो नहीं आती? सर, मकान कितनी भी पुराना हो सर, 80 साल 90 साल की हो सर, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई सर। पहले से और भी मजबूती देंगे सर। अभी से मैं इलाहाबाद, पुष्पांजलि नगर, हरियाणा, पानीपत सर, यूपी, सोनभद्र, बनारस, मिर्जापुर सर काम कर चुके हैं सर। अभी तक सर मैं जहाँ तक काम किया सर, वहाँ तक 100% का रिजल्ट है सर। शिकायत का कोई मौका नहीं मिला सर मालिकों के द्वारा। मकान के मजबूती में इसका कोई फर्क तो नहीं पड़ता सर? मकान में मजबूती का कोई शिकायत नहीं मिलेगा सर। मजबूती में कोई भी सर कमी नहीं होगी सर, और बेहतर ही होगा। जहाँ पे 9 इंची का दीवार है सर, मैं वहाँ पे 13 इंची का दीवार जोड़ के सर और मजबूती देता हूँ सर। अभी ये काम आप किस जगह पे कर रहे हैं सर? अभी काम है सर, ये बक्सेड़ा कमला नगर में कर रहा हूँ सर। कौन सा जनपद है ये? सर, जनपद है प्रयागराज है सर। मंसूर कॉन्ट्रेक्टर है सर। मकान को आप उठाते हैं सर? ये हमारे को 15 से 20 साल मकान उठाते हुए हो गया। और हम जैक को एक जगह से दूसरे जगह जैक के सहारे लेके भी जाते हैं। चैनल और क्रॉसिंग लगाते हैं, जिस तरह जैक है, जैक के ऊपर हम चैनल लगाएंगे और चैनल के ऊपर दीवार रहेगी। इसके बाद हम एक एक नंबर करके राड से एक दूसरे को लेके जाते हैं। जैसा कि पुराना मकान होने की वजह से मकान गिरने का डर बना होता है, तो इस तरीके से कोई खतरा तो नहीं होता है? कोई खतरा नहीं होता इसके ऊपर। जा मकान मालिक खुद रहे, हम भी रहते हैं इसके अंदर ही, खाते पीते हैं। और रही बात यह है कि पूरे मकान को सेफ्टी के साथ चारों तरफ से बांधने के बाद जब हम उठाते हैं सर। कितने दिनों से आप ये काम कर रहे हैं? कम से कम सर 15 से 20 साल हो गया। सर, जैसे मकान पुराना है, किसी का कोई सोचेगी नहीं, हमें कोलम डलवाना है, अलग से कोलम डलवाना है, या मकान का किसी का रोड के ऊपर मकान आ जाता है, कोई कहना चाहे जैसे हमारा मकान रोड पे आ गया, तो मकान को कहीं शिफ्ट करना चाहे तो हम शिफ्ट भी कर देंगे। मकान को आप उठा करके एक जगह से दूसरे जगह भी कर सकते हैं? एक जगह से दूसरी जगह मकान को हम लेके भी चले जाएंगे। कोई खतरा तो नहीं होता इस तरीके से काम करने में? इसके अंदर चैनल क्रॉसिंग लगा के सारे सेफ्टी के साथ, और जिसका मकान हम उठाएंगे उसके साथ एग्रीमेंट करके पूरे सेफ्टी के साथ जब हम काम करते हैं। संगम नगरी प्रयागराज के अग्निशमन विभाग ने इंदिरा भवन में आग लगने का किया मॉक ड्रिल। ड्रिल के अनुसार आग लगने की सूचना इंदिरा भवन के कर्मचारी ने अग्निशमन विभाग को दी, जिसके बाद क्विक रिस्पांस करते हुए 10 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड की टीम CFO डॉक्टर राजीव कुमार पांडे और अग्निशमन अधिकारी नागेंद्र प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में इंदिरा भवन पहुंचे। फायर ब्रिगेड ने सबसे पहले इंदिरा भवन के प्रथम तल पर लगी आग को बुझाया। इसके बाद इंदिरा भवन के अंदर फंसे 2 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। साथ ही 4 लोगों को सीढ़ीज के जरिए बाहर निकाला गया, जिसके बाद उन्हें एम्बुलेंस के जरिए दम घुटने से बेहोश लोगों को दूसरे अस्पताल भेजा गया, जहां अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत अग्निशमन विभाग की ओर से मॉक ड्रिल किया जा रहा है। गर्मी के सीजन में आग लगने की घटनाएं बढ़ जा रही हैं, जिसके मद्देनज़र DG फायर के निर्देश पर पूरे प्रदेश में 14 से 20 अप्रैल तक अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत मॉक ड्रिल कराया गया। हमें 4 बजे सूचना मिली कि इंदिरा भवन के प्रथम मंजिल से आग लगी हुई है। उस सूचना के आधार पर हम 2 टीम, अपनी फायर टीम और रेस्क्यू टीम दोनों को लेकर तत्काल यहाँ मौके पर आए और आगे देखे तो ऊपर काफ़ी धुआं निकल रहा था प्रथम मंजिल पे। उस सूचना के आधार पर हम लोग एक्सटेंशन लेटर जो है लगा के तुरंत ऊपर भेजे फायर टीम को, और उसने जाके देखा तो कागजों में फाइलों में आग लगी हुई थी, जिसको अग्निशमन कार्य करके बुझाया गया। और हमारी रेस्क्यू टीम है, देख रही थी कोई घायल है कि नहीं, उसमें देखने पता चला कि 2 लोग उसमें घायल पाए गए, उनको एक्सटेंशन लेटर से हम लोग नीचे उतारे और उस धुएँ के प्रभाव से आपस में और जगहों पे 4 लोगों को घायल थे, उनको हम लोग अंदर की सीढ़ी से
लेके बाहर निकाले और सकुशल जो है हम लोग 6 लोगों को बचाए। क्या था ये पूरा मामला? ये एक तरह का प्रोग्राम हमारा मॉकड्रिल था, ये अग्निशमन सेवा सप्ताह के अंतर्गत जो है हम लोग मॉकड्रिल का कार्यक्रम कर रहे हैं, जो पुलिस महानिदेशक फायर सर्विस महोदय के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। उसी निर्देश के क्रम में हम लोग आज जो है इंदिरा भवन में मॉकड्रिल का कार्य किया। संगम नगरी प्रयागराज की नज़ारा है चंदलोक चौराहे का, जहां पर आप देख सकते हैं ट्रैफिक सिग्नल बंद है और चारों तरफ से लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, जिससे यातायात नियमों का उल्लंघन तो हो ही रहा है, मगर सबसे बड़ी बात है आने जाने वाले लोगों की जान पर भी खतरा मंडरा रहा है। मगर जिम्मेदारों ने अगर ध्यान नहीं दिया तो किसी समय भी यहां बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यातायात विभाग की लापरवाही के कारण यहां यातायात नियमों का भी उल्लंघन हो रहा है और आने जाने वाले यात्रियों की जान पर खतरा बना हुआ है। अब देखना है कब सही होता है ट्रैफिक। संगम नगरी प्रयागराज, जहां प्रयागराज क्षेत्र के चौक मोहल्ले में स्थित 1938 से संचालित केसर विद्यापीठ में आज स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया गया। 1942 में प्रेसिडेंट रहे एडवोकेट राम प्रसाद गुप्ता जी की स्मृति में उनके सुपुत्र डॉक्टर प्रताप चंद गुप्ता न्यूरोसर्जन अमेरिका निवासी ने स्मार्ट क्लास के लिए पूर्णता डोनेशन दिया। इस अवसर पर माननीय जस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी ने उद्घाटन किया। आज के ही दिन हेल्थ चेकअप कैंप का भी आयोजन किया गया, लगभग कोविड वैक्सीन भी लगवाई गई, लगभग 250 लोगों ने अपना हेल्थ चेकअप करवाया और वैक्सीन लगवाई। इस अवसर पर केसर विद्यापीठ के सभी पदाधिकारी और शिक्षकगण उपस्थित रहे। एडवोकेट राम प्रसाद गुप्ता के परिवार, उनके सुपुत्र अशोक कुमार गुप्ता, उनके सुपुत्र अभिषेक गुप्त, मीडिया जगत से सुपुत्री आशा गुप्ता संग कई लोग उपस्थित रहे। संगम नगरी प्रयागराज में जहां भीषण गर्मी ने अब घर से निकलना लोगों का मुश्किल कर दिया है, चेहरा बेरा ढके निकलना भी अब मुश्किल है। जहां भीषण गर्मी ने विकराल रूप धारण किया है, जैसे सड़कों पर आग बरस रही हो और लोग अब घर से निकलना मुश्किल है, जिसके कारण आप देख सकते हैं बाज़ारों में किस तरह से सन्नाटा पसरा है और बाज़ारों में दूर दूर तक लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। गर्मी के कारण अब घर से लोग कम निकल रहे हैं, जहाँ गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है, ऐसे में अब काम पर भी असर पड़ रहा है और लोग कम निकल रहे हैं। हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ये अप्रैल का टाइम है ना, अभी मई और जून बाकी है, हम लोग क्लासेज हैं तो फिर आना कंपलसरी होता है, तो इस टाइम बहुत गर्मी है। देख, आप देख रहे होंगे हम लोग ये टॉवल्स लेके आते हैं है ना, और जाते जाते कहीं कहीं रुक रुक के पानी वानी भी लेना पड़ता है, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा आसमान से आग जैसे बरसती है, पूरे झुलसे हुए रहते हैं। गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे समस्या लोगों की बढ़ रही है। अब लोगों की आंखों में समस्या होने लगी है, कंजक्टिवाइटिस जैसी बीमारी हो रही है, जिसमें आंखें लाल हो जाती है, आंखों में खुजली होती है और साथ ही पानी आता है। ऐसे में किस तरह से बचाव करें, क्या कहना है डॉक्टर्स का, आइए सुनाते हैं। कंजक्टिवाइटिस अभी गर्मी अचानक से हो गई है, तो जब गर्मी से जाड़ा या जाड़े से गर्मी सीजन चेंज होता है, तो ये एलर्जी की बीमारी है और आजकल हो रही है बच्चों में भी बड़ों में भी। तो इससे बचाव के लिए ये है कि हम लोग जैसे कूलर के ठीक सामने बच्चों को बैठा दे रहे हैं या एसी के ठीक सामने, उसके बाद बच्चे बाहर चले जा रहे हैं, या कोई धूल है, मिट्टी है, पोल्यूशन है, गंदी चीज़ें आँख में पड़ जाती हैं, उसकी वजह से भी होता है। और इससे बचाव के लिए ये है कि साफ़ सफाई का ख्याल रखें, दिन में 2-3 बार ताज़े पानी से, साफ़ पानी से आँखों को धुल लिया जाए, और जब कभी कोई तकलीफ हो जाए तो अपनी मर्जी से कोई दवा ना डाले। अगर डाल भी रहे हैं, मान लीजिए डॉक्टर को नहीं दिखा पाए, तो कोई प्लेन एंटीबायोटिक, कोई भी प्लेन एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड बिल्कुल नहीं डालना है। प्लेन एंटीबायोटिक का मतलब सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मार्सीफ्लॉक्सासिन, टोब्रामाइसिन, ओफ्लॉक्सासिन, कोई भी एंटीबायोटिक प्लेन डाल सकते हैं, या कोई एंटी एलर्जिक टैबलेट खा सकते हैं, जैसे लीवोसिट्रिजिन है, सिट्रिजिन है, और एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप भी डाल सकते हैं। तो लेकिन स्टेरॉइड कतई ना डालें, क्योंकि इसमें कई बार स्टेरॉइड बहुत नुकसान कर जाता है और काली वाली पुतली पे घाव होने का खतरा रहता है, जख्म हो सकता है, अल्सर हो सकता है कार्निया पे। कंजंक्टिवाइटिस बचाव के लिए साफ सफाई, जब भी आप घर से बाहर निकलिए तो कोई चश्मा लगा लीजिए, बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट लगा लीजिए, यही इसका बचाव है। परिचय बता दें। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है, डॉक्टर SM अब्बास। हम यहाँ पे बेली हॉस्पिटल में कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट के पोस्ट पे काम कर रहे हैं।
देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।